हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के जो रूटीन होते हैं वह स्टार्ट हो चुकी है। आज संडे है तो काफ़ी लेट उठी हूँ, बहुत ज़्यादा ही लेट उठी हूँ। होता है ना, जिस दिन बच्चे की नई स्कूल होती है, छुट्टी होती है, उस दिन हमें भी आलस हो जाती है। तो नाइट में ही काफ़ी देर से सोए थे और यही सोच के सोई थी कि कल तो टेंशन है नहीं, जल्दी उठना नहीं है, तो देर से सोई, इसलिए बहुत लेट उठी हूँ। तो अनु की तो छुट्टी है पर इनकी छुट्टी नहीं है, ये ड्यूटी जा चुके हैं, पर मैं लेट उठी। तो नाश्ता तो बना दी हूँ, उठने के साथ ही चाय बनाई, नाश्ता बनाई। अनु भी जा चुका है फ्रेश होने के लिए, फिर वो नहाएगा तो मैं नाश्ता दे दूँगी उसे। तब तक घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज मिशन डे है तो अनु के यूनिफॉर्म, कुछ और भी कपड़े होते हैं तो वो धोऊँगी, तो इसलिए मैं भी नहीं नहाई हूँ कि घर की क्लीनिंग अच्छे से कर लूँ और कपड़े धो लूँ फिर नहाऊँगी। क्योंकि कपड़े जब आप धोते हो ना तो थोड़ा बहुत खुद के कपड़े गीले होने लगते हैं, फिर बार बार चेंज करना। और आज हेयर डाई भी लगाई हूँ बालों में। मेरे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है, एक भी नहीं, लेकिन मुझे शौक है लगाने के। जल्दी जल्दी नहीं लगाती हूँ पर 6-7 महीने पर एक बार ज़रूर लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। भूरे बाल हैं मेरे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लगा लेती हूँ और शौक़ भी है। तो ये जब तक सूखेगा तब तक ही घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और घर तो रोज़ इतना गंदा होता है, सब दिन भर हम क्लीनिंग करते हैं और जब अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से घर की क्लीनिंग नहीं हुई है। खासकर बच्चे हो ना घर में, मेरा अनु तो बड़ा हो गया है लेकिन टाइगर जो है वो भी कोई 2-4 बच्चे से कम नहीं है, बहुत मस्ती करता है और इतना तंग करता है ना, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रहने देता। पेपर फाड़ के या कोई भी बिस्किट दो, ब्रेड दो, वो मुंह पे लेके ना सोफ़ा पे बैठ के खाएगा या बेड पे बैठ के खाएगा। इसकी वजह से कपड़े भी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, धोना पड़ता है रोज़, चादर हो या सोफ़ा कवर हो। और घर भी जगह जगह बहुत ज़्यादा ही ख़राब करता है, गंदा करता है। और अभी गर्मी का टाइम है ना, बिस्किट ब्रेड अगर कहीं छोड़ दिया तो चींटियाँ भी बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा करके फिर कपड़े धो लूँगी, फिर नहाऊँगी। आज सोची हूँ आज बहुत लेट जाके नहाऊँगी, क्योंकि जब कपड़े धोते हैं ना तो कुछ ना कुछ अपने कपड़े गीले हो जाते हैं, तो फिर बार बार चेंज करना, तो इसलिए। तो ये ड्यूटी जा चुके हैं, इनका संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं रहती है, तो ये ड्यूटी जा चुके हैं। चाय भी नहीं दे पाई इनको क्योंकि बहुत लेट उठी, और इन्होंने भी नहीं उठाया क्योंकि रोज़ तो 5 बजे उठ जाती हूँ, बच्चे की स्कूल रहती है, उसको टिफ़िन देना रहता है, तो लेकिन आज नहीं उठाए। क्यों उठाएँ, चलो छोड़ दो। तो मैं चाय भी नहीं दे पाई। अनु भी उठ चुका है, गया है नहाने के लिए, नाश्ता बना के रखी हूँ तो आता है तो नाश्ता दे देती हूँ उसे। मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते हैं और मेरी आदत है, मैं तो सो के उठती हूँ तो अपनी बेडशीट को और अपने कमरे को उसी टाइम में ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, क्योंकि चादरें ना मैं ख़राब नहीं छोड़ती हूँ, पर अनु के कमरे का थोड़ा देर से करती हूँ साफ़ सफ़ाई, तो देर से उठता है तो अपने कमरे की साफ़ सफ़ाई कर ली हूँ मैं। अब आ गई हूँ अनु के रूम में और इस कमरे में मैं अनु के साथ, टाइगर अनु के साथ ही सोता है, वो
चाहे कितना भी शैतानी करे या अन्नू को दांत काटे, वो उसके उसको पता नहीं भाई मानता है क्या क्या, उसके साथ बहुत लड़ता है, बहुत मस्ती करता है, पर रात में सोएगा भी तो उसी के साथ। तो अन्नू अपने बेड पे नहीं सोने देता है, क्योंकि रात में ना हाथ पैर अन्नू के चलते रहते हैं। वो सोता है तो एक साइड वो सोता किधर है और सुबह मिलेगा किधर, उसके हाथ पैर रात में वो चलते रहता है, वो घूम घूम के सोता है। तो अगर लग गई पैर तो फिर टाइगर गुर्राता है, उसको दांत काटने लगता है। तो मैं टाइगर के लिए खाट रख दी वहाँ पर, जो वो उस पर सोएगा, लेकिन वो सोता नहीं। वो रात में फिर वो अन्नू के साथ ही अन्नू के बगल में सोता है, लेकिन उसी की वजह से खाट रखनी पड़ी। और बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, साफ़ सफाई में इतनी दिक्कत होती है ना, पर ये जगह अगर हो तो ठीक रहता है, खुला खुला। तो पैरों में ना चलो तो लगती है बार बार, और सफाई करने में भी नहीं बनती है, पर क्या करें। तो इस कमरे की भी साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगा लूँगी। मुझे आदत है एक एक कमरे की सफाई करने की, ऐसा नहीं कि सारा इकट्ठे साफ़ कर लिए, बेडशीट लगा लिए सारे कमरे में, फिर सब में इकट्ठे झाड़ू लगाऊंगी, वो मेरी आदत है। एक कमरे को अच्छे से क्लीन कर लो, फिर दूसरे में जाओ, फिर दूसरे से जाओ, फिर तीसरे में जाओ, ऐसे करके सफाई करती हूँ। तो हो गया है, तो अभी पोछा कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी नहाने। तो आ गई हूँ मैं, और मेरे काम हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं। आज कपड़े थे लेकिन उतना भी नहीं थे, कपड़े तो हैं लेकिन मैं ज़्यादा धोई नहीं, क्योंकि बहुत लेट उठी थी तो और लेट हो जाती मैं, लंच भी बनाने हैं। तो नहा के आगे फिर शैम्पू कर ली, और टाइम देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया है। मॉर्निंग में खासकर अगर आप लेट उठते हो तो काम तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है, और वो और लेट होते चले जाते हैं काम बहुत ज़्यादा। और कपड़े धोने की वजह से तो मेरे कंगन टूट गए हैं, तो वो चेंज कर ली हूँ। मैं लाह की चूड़ियाँ जो आती है ना वो ज़्यादा पहनती हूँ, तो लाह वाली जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, कहीं भी हल्का सा भी ठोकर लग गया या फिर कपड़े धोते हैं तो वो निकलने लगता है, टूटने लगता है, तो टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो चेंज कर ली हूँ और अब जाती हूँ। तो अभी अब लंच बनाऊँगी, रेस्ट 5 मिनट भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि टाइम से खुद खाए या ना खाए बच्चों को तो देना ही पड़ता है। तो नाश्ता तो कर चुका है, मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ, और नाश्ता करने बैठूँगी तो और लेट हो जाऊँगी। तो जाती हूँ लंच बनाती हूँ, फिर इकट्ठे लंच ही कर लूँगी। तो शाम का वक्त है, अभी 6:45 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। उस टाइम मैं लंच बनाने के बाद मैं सो गई, रात में बहुत देर रात तक जगती हूँ, आदत हो गई है। बच्चे की जब स्कूल नहीं होती है ना तो फिर हम लोगों को भी थोड़ी आलस हो जाती है कि चलो थोड़ी देर रात को देर से जग लेते हैं, सुबह देर से उठते हैं, टेंशन नहीं होती है। पर अभी जल्दी उठना पड़ता है, बच्चे की स्कूल खुल गई तो 7:30 बजे तक उसको टिफ़िन तैयार करके दे देना होता है, उसकी गाड़ी आ जाती है। तो नींद आ गई, सो गई हूँ, तो अभी उठी, चाय बनाई हूँ, चाय पी ली, और ये अभी तक नहीं आए हैं, अब आएंगे। अभी दिखाती हूँ मैं, 6:45, देखिए 6:45 हो रहा है, तो अभी आएंगे थोड़ी देर में, फिर इनके लिए चाय नाश्ता बनाऊंगी कुछ। तो मैं कहीं अपनी ब्लॉग की एंडिंग भी कर दूँ, और यहाँ पे मेरे दोनों पुत्र जी बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये टाइगर बैठा है और इधर अन्नू। उसे भी चाय दे दी हूँ, और ये भी खाना खा के बैठा है, और मैं सो गई थी आज। आज मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, नींद आ गई। सोची थी आज मार्केट जाऊंगी, पर संडे को भी खुली रहती है, पहले तो बंद रहती थी लेकिन अभी तो संडे को भी खुली रहती है, पर आंख लग गई, और अब क्या जाऊंगी, अब तो लेट हो गई, जब तक ये आएंगे तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, और संडे को थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है, 4:30 बजे के बाद तो बंद हो जाती है दुकानें। चलिए तो अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टाइगर बाय करोगे, अनु बाय कर दो, टाइगर बाय।
टाइगर बाबा वो नहीं करेगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय टी, बाय बाय बाबू छोना।